जाऊया थेट भावनगरला, तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेला उद्देशून भाषण करता है। सिर्फ इंतजार कर रह जाते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। उसी तरह समुद्र में खड़े जहाज भी सामान उतारने और सामान चढ़ाने के इंतजार में खड़े रह जाते हैं, और सिर्फ वो वेसर खड़ा नहीं रहता है, पूरी इकोनॉमी ठहर जाती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो, बॉटल नेक हटाए जाए। सागरमाला प्रोजेक्ट का एक और अहम पहलू है, और वो है ब्लू इकोनॉमी। पहले लोग सिर्फ ओशन इकोनॉमी के बारे में बात करते थे, लेकिन हम ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी यानी इकोनॉमी और इकोलॉजी का गठजोड़। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ ही समुद्र से जुड़े इकोसिस्टम भी को भी बढ़ावा देती है। अगर 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जमीन पर हुई, तो 21वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति समुद्र के माध्यम से होगी, ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए होगी। साथियों, हमारी आज की आवश्यकताओं और चुनौतियों को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि हम देश के सामुद्रिक शक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ब्लू इकोनॉमी की क्षमताओं का ज्यादा इस्तेमाल न्यू इंडिया का आधार बनेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए ब्लू इकोनॉमी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे मछुआरे भाई सीवीड की खेती करें, उसमें वैल्यू एडिशन करें, तो इससे उनकी आय में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे ही ब्लू इकोनॉमी ऊर्जा के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में न्यू इंडिया का एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है। साथियों, ये सरकार देश में एक नई कार्य संस्कृति विकसित कर रही है। एक ऐसी कार्य संस्कृति जो जवाबदेह हो, पारदर्शी हो। आज इसी कार्य संस्कृति की वजह से योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। आज देश में दोगुनी गति से सड़कें बन रही हैं, दोगुनी गति से रेल लाइनें बिछ रही हैं। पहला एक दिवस में जितना रोड बनता था ना, करता आज डबल बने। पहला एक दिवस में जितनी रेल लगता था ना, एना करता डबल रेल लागे। योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ड्रोन से लेकर सैटेलाइट ट्रक से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था होती है। कोई तो वजह होगी कि अब आपको पासपोर्ट इतना जल्दी मिल जाता है, कोई तो वजह होगी कि अब आपको गैस का सिलेंडर इतनी आसानी से मिल जाता है, कोई तो वजह होगी कि अब आपको इनकम टैक्स रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, और इसके पीछे बड़ी वजह है सरकार की कार्य संस्कृति में हमने जो बदलाव लाया है। एक ऐसी कार्य संस्कृति है जो गरीबों को, मध्यम वर्ग को तकनीकी की मदद से उसका हक दिला रही है। गुजरात में आपने जो सिखाया है, वो अनुभव मुझे दिल्ली में बहुत काम आ रहा है। खोज खोज कर फाइलें निकलवा रहा हूं, और जो परियोजनाएं दशकों से अटकी हुई है उन्हें पूरा करवा रहा हूं। हमने एक व्यवस्था विकसित की है, प्रगति। इसके माध्यम से अब तक 9,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। प्रगति में समीक्षा होने के बाद चार दशक से अटके हुए प्रोजेक्ट अब तेजी से पूरे होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार देश में ईमानदार अर्थव्यवस्था और ईमानदार साम्यवादी की व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। नोटबंदी ने काले धन को ना सिर्फ तिजोरी से बाहर निकालकर बैंक में पहुंचाया है, बल्कि देश को ऐसे ऐसे सबूत भी सौंपे हैं जिससे एक अभूतपूर्व स्वच्छता अभियान शुरू होना संभव हुआ है। इसी तरह
जीएसटी से भी देश को एक नया बिजनेस कल्चर मिल रहा है। हम मालूम है पहले जो लोग ट्रक लेके जाते हैं चेक पोस्ट पर घंटों खड़े रहना पड़ता था, जीएसटी आने के बाद सारे चेक पोस्ट गए, जो ट्रक 5 दिन में पहुंचता था वो आज 3 दिन में पहुंचता है, सामान ले जाने लाने लाने का खर्चा कम हो गया और हजारों करोड़ रुपए जो चेक पोस्ट पर जाते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार पनपता था वो सारी चीजें जीएसटी आने के कारण बंद हो गया। अब मुझे बताइए अब तक जिन्होंने ठेकेदारी में लूटा था वो मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे, उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन देश के नागरिक को भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश के नागरिकों को लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ऐसा बिजनेस कल्चर जिसमें ईमानदारी से सारा कारोबार होता है और ईमानदारी के दम पर ही कमाई की जाती है, और मेरा अनुभव है कोई व्यापारी चोरी करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ कानून नियम अफसर राजनेता उसको उस पर धक्का मारते बेचारे को मजबूर कर देते हैं। हम उसको ईमानदारी का वातावरण देने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए जीएसटी जुड़ने वाले व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीएसटी लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में 27 लाख नए नागरिक जुड़ गए हैं। साथियों मुझे पता है कि मुख्य धारा में लौट रहे कुछ व्यापारियों को डर लग रहा है कि उनके पुराने रिकॉर्ड तो नहीं खोखले जाएंगे। जो कोई वर्ग ईमानदारी से देश के विकास में शामिल हो रहा है मुख्य धारा में आ रहा है उसे मैं ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके पुरानी चीजें खोल करके किसी अफसर को परेशान करने का हक नहीं दिया जाएगा। भाइयों और बहनों तमाम सुधारों और कड़े फैसलों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, सही दिशा में है। हाल में आए आंकड़ों को देखें तो कोयले बिजली स्टील नेचुरल गैस इन सब के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। विदेशी इन्वेस्टर भारत में रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 30,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 40,000 करोड़ डॉलर को पार कर गया है। कई जानकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल काफी मजबूत है, स्ट्रांग है। हमने रिफॉर्म से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखा जाएगा। निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। साथियों ये बदलती हुई व्यवस्थाओं का दौर है, संकल्प से सिद्धि का दौर है। हम सभी को न्यू इंडिया के निर्माण के लिए संकल्प लेना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। आज यहां गोगा दहेज फेरी सर्विस के माध्यम से न्यू इंडिया के एक नए साधन की शुरुआत हुई है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इसका भरपूर फायदा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। अनेक बात मत कीजिए भाइयों, आप फेरी सर्विस एटले अत्यारे तो भले एक आवशे जैसे, पण ए दिवस दूर नहीं होय कि अर्धा अर्धा कलाके आम फेरी सर्विस चालती है, बसों जेम दौड़े रहे हैं अने तमे तमारी मोटर लईने अंदर चढ़ी जवानो, तमारी मोटर में बेसी देवानो अने उतरीने पाछा भावनगर में मोटर लईने हाली निकलवानो। आ बाजू गोवा सुधी जई शकाशे, आ बाजू कच्छ जखौ सुधी जई शकाशे एवी स्थिति दूर नहीं हो। एटलू ज नहीं, अमारा सुरती लाला, आ सुरती लाला ने छोकराओ जन्मदिवस मनावो होय तो हवे आ फेरी सर्विसो बुक करावीने जन्मदिवस पण त्यां समुद्र नहीं बचे।